डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। आज हम बात करने वाले हैं स्किन में होने वाले एक कॉमन डिसीज फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आज हम फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और आयुर्वेद में उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट बताई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन स्किन में होने वाला एक कॉमन डिसीज है जिसमें स्किन में इरिटेशन होती है। नॉर्मली इसको टीनिया के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको दाद कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है वो एक प्रकार की फंगस से पैदा होता है जिसमें एक रेडिश पैच होता है और ये रेडिश पैच शुरुआत में एक छोटा सा पैच होता है जो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता है। और दोस्तों, अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो जो पैच होता है उसकी पूरी बॉर्डर रेड होती है और अंदर की बॉर्डर जो है वो नॉर्मल रेडिश होती है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में आगे बात करें तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो जनरली हमारे शरीर के ऐसे पार्ट्स में होता है जो फोल्ड एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स हैं या ग्रोइंस हैं, ऐसे पार्ट में ज्यादा होता है जो फोल्ड होते हैं, जो एरिया हमारी बॉडी पार्ट जो है वो जो मॉइस्ट रहता है, जो वेट रहता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा, फंगस ज्यादा ग्रो होता है। ज्यादातर अगर अफेक्टेड पार्ट्स की बात करें पूरी बॉडी के, तो हमारी इनर थाइस, उसके अलावा हमारे जेनिटल पार्ट्स, आर्मपिट्स, हमारे हैंड्स, लेग्स, स्कैल्प, फिर होल बॉडी, फिर नेक रीजन, फिर फेस रीजन, फिर बियर्ड में, उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो फीट्स और नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। फंगल इन्फेक्शन होने के कुछ कारणों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या क्या कारणों से होता है। फंगल इन्फेक्शन जनरली बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, फर्मेंटेड फूड, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, जो लोग अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट जिनकी होती है उन लोगों को ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोगों का हाइजीन क्लीन नहीं होता, जो लोग रेगुलर बाथ नहीं लेते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखते, जिनका हाइजीन पुअर होता है, उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रेसलिंग खेलने वाले लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना होता है, ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम फंगल इन्फेक्शन वाले लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है। जैसे कि हस्बैंड को है तो उसकी वाइफ को या बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिसीज है। फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे के कपड़े, फिर टॉवेल, फिर साबुन, और अगर हम देखने जाए तो कॉम्ब्स, ये सब चीजें यूज करने से भी होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये होता है। उसके अलावा जो लोग पेट्स रखते हैं घर में, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, जो लोग कोई बीमारी की वजह से लॉन्ग टाइम से स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हमें अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन है उन लोगों को ढीले और कॉटन के कपड़े पहनना है। जेंट्स अगर वी शेप की अंडरवेयर पहनते हैं तो उसको नहीं पहनना है। बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग पैंट या जींस नहीं पहनने हैं। आपके कपड़े जो है उसको गर्म पानी में धोना है और सनलाइट में कम से कम 2 घंटे तक सुखाना है कपड़ों को, और बिल्कुल सूखा, बिल्कुल ड्राई रखना है। अपनी जो स्किन है उसको अगर हम नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद बॉडी को अच्छे से क्लीन करके फिर आप कोई भी अच्छा टेलकम पाउडर वहां पे लगा के 2-5 मिनट के बाद कपड़े पहने, गीला बिल्कुल भी ना रखें। उसके अलावा अपना साबुन और अपना टॉवेल जो है उसको आप बिल्कुल सेपरेट रखें, उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपने घर को अच्छे से डस्टिंग करें और रेगुलर दिन में 2 बार आप बाथ लें, इतनी चीजें हमको करनी है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसमें एंटी फंगल लोकल और एंटी फंगल इंटरनल मेडिसिन दी जाती है और 20-25 दिन या 1 महीने का इसका कोर्स कराया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फंगल इन्फेक्शन पुअर हाइजीन वाले लोगों को होता है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में अगर हम देखने जाएं तो फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों को भी होता है जो अपने हाइजीन को और अपनी फूड हैबिट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, आइए देखते हैं। आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन को दद्रु रोग के नाम से जाना जाता है।
आयुर्वेद की पौराणिक जो बुक्स हैं जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसमें फंगल इन्फेक्शन के बारे में वर्णन किया गया है और फंगल इन्फेक्शन को आयुर्वेद में क्षुद्र रोग यानी कि माइनर स्किन डिसीज की कैटेगरी में देखा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रकार का लाल चकता है, लाल रेड पैच है जिसमें खुजली और बर्निंग के साथ साथ ये एक जगह से शुरू होकर पूरी बॉडी में फैलता है और शरीर में पित्त और कफ ये दो दोषों की दृष्टि की वजह से ये रोग होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार फंगल इन्फेक्शन होने के कारण क्या क्या है वो बताता हूँ। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे पहला कारण जो है वो विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि खट्टी चीजों के बाद या नमकीन चीजों के साथ या उसके बाद दूध का सेवन करना, मछली के साथ दूध का सेवन करना, हम ऑनियन खाते हैं उसके बाद दूध का सेवन करना, उड़द के बाद दूध का सेवन करना, या तो आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं उसके ऊपर ठंडी चीजों का सेवन करना, ऐसे विरुद्ध आहार करने से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मछली का या सी फूड का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग बहुत हेवी खाना खाते हैं, भरपेट बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग खट्टी दही का सेवन दूध के साथ रेगुलर करते हैं ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा उड़द का सेवन करते हैं, ब्लैक ग्राम का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीजें बताई गई हैं कि जो आपको नहीं करनी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो। सबसे पहले बताया गया है कि विरुद्ध आहार बिल्कुल भी ना करें, जो मैंने आपको आगे बताया। उसके अलावा बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, ऑयली स्पाइसी और जंक फूड का सेवन ना करें, सोडा बिल्कुल ना पिए, ठंडा पानी ना पिए, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा खाना ना खाएं और रात्रि जागरण नाइट में जागने का अगर लेट नाइट सोने की आदत हो तो उसको बंद करके जल्दी सोने की आदत बनाएं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आयुर्वेद में कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो लिख लें मरीचियादि तेल। आप अपना फंगल इन्फेक्शन का जो पैच है अगर नेक पे हुआ है या हाथों में हुआ है तो मरीचियादि तेल का आप सुबह शाम उसके ऊपर लगा सकते हैं अच्छे से। आपको कैसे लगाना है, जैसे फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है तो बाहर की बॉर्डर जो है वो उपसी हुई होगी, उभरी हुई होगी, तो बाहर से अंदर की ओर हमें हमारे पैच पे, अगर यहाँ पे है तो बाहर से अंदर की ओर हमें हमारे पैच पे जो ऑयल है उसको अच्छे से अप्लाई करना है। उसके अलावा एक और तेल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बृहद दंतपाल तेल। ये मैं अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर यूज करता हूँ दोस्तों और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। उसके अलावा इंटरनल मेडिकेशंस की बात करें तो बृहद मंजिष्ठादि काढ़ा 15-15 ml सुबह शाम खाली पेट आप ले सकते हैं और खदीर अरिष्ट का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। उसके अलावा नीम टेबलेट या पंचनीम घनवटी का भी सेवन हम कर सकते हैं 2-2 गोली खाना खाने के बाद। दोस्तों हमारी रोज की ओपीडी में फंगल इन्फेक्शन के काफी पेशेंट्स आते हैं, जो लोग एलोपैथिक दवाई लेकर जिनको फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता या लोग डायरेक्टली आयुर्वेदिक दवाइयां करने भी आते हैं। आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन के चमत्कारिक रिजल्ट है, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और अपने फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कराएं, आपको बहुत जल्द से जल्द आराम होगा। और अगर फंगल इन्फेक्शन आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्योर नहीं होता है तो आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा, वमन और विरेचन का भी बहुत अच्छा रोल है, आप पंचकर्म के माध्यम से भी अपने पुराने से पुराने फंगल इन्फेक्शन में से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे पेशेंट्स के फोटोज के जिन लोगों ने अपने फंगल इन्फेक्शन को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया हुआ है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें, उन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टा में आप इसको जरूर से शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है, आप कोई डिसीज के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।